HyperOS 2 का सिस्टम लॉन्चर में नया अपडेट है और ये ऐप एक्सट्रैक्ट किया गया HyperOS 2 का जो है क्लोज बीटा रॉम से, और आपको साथ साथ जो इसको अपडेट करने के बाद आपका रेडमी और शाओमी डिवाइस में अगर सपोर्ट कर रहा तो नया एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। और एनिमेशन के साथ जो फीचर्स है वो बहुत पहले ऐड हो गया था, और एनिमेशन के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपका डिवाइस में HyperOS प्लस एंड्रॉयड 14 और एंड्रॉयड 13 में भी काम कर जाएगा, बट कुछ उसमें जो है बग्स है और वो आपको जो है देखना पड़ेगा अपडेट करने के बाद, जो कि मैं आपको शो कर ही देने वाला हूँ बग्स, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ HyperOS एंड्रॉयड 13 के साथ। एंड्रॉयड 14 वाला डिवाइस मेरे पास नहीं है, रेडमी में शाओमी सब एंड्रॉयड 13 में अटका हुआ, और एंड्रॉयड 14 जिसमें वो है पोको डिवाइस और दो पोको डिवाइस है उसमें एंड्रॉयड 14 है, और मैं कस्टम रॉम्स नहीं डाल रहा वैसे मन नहीं। तो हाँ देखो, जैसे कि इसमें आपको बेटर एनिमेशन देखने को मिलता है, बस वही है HyperOS 2 में जो फीचर्स था वो आपको ऐसे भी देखने में, फीचर्स आपका जो नॉर्मल लॉन्चर में भी अपडेट हो गया, जो कि आप एंड्रॉयड 13 में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डिवाइस में एंड्रॉयड 13 है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा एंड्रॉयड 13 वाले में, आपको सभी नया फीचर्स प्लस एनिमेशन भी देखने को मिलता है। कंप्लीट एनिमेशन नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि उसके लिए आपको डेफिनेटली एंड्रॉयड 15 चाहिए, बट अगर आपको चाहिए कि हाँ एनिमेशन काम नहीं कर रहा बट आपको सभी फीचर्स नया देखने को मिल जाए, तो एक ऐप वर्जन है जिसमें कि आपको सभी फीचर्स और सभी चेंजेस देखने को मिलता है बिना एनिमेशन का, मतलब कम एनिमेशन एज कम्पेयर टू जो आपको नया में मिलता है। तो नया में बस आपको काफ़ी अच्छा पिंच इन पिंच आउट और आपका जो है रिसेंट मेन्यू में एनिमेशन, कंट्रोल सेंटर में एनिमेशन, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन, और ओवरऑल आपको एनिमेशन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और अगर आप चाहिए बाकी जैसे कि और ऑप्शन तो आपको वहाँ पर भी जो थोड़ा बहुत एनिमेशन भी चेंजेस देखने को मिलता है, बट देख लो मैं आपका यूज़ कर रहा हूँ HyperOS का लेटेस्ट अपडेट Redmi Note 11 Pro Plus 5G में, और इसमें आपका एंड्रॉयड 13 है तो इसमें आपको जो एंड्रॉयड 14 है तो और बेटर एनिमेशन और आपको और बेटर देखने को मिलता है, जो कि बेटर होता बट वो नहीं देखने को मिला क्योंकि मेरे पास नहीं है डिवाइस, और पोको में तो डाल नहीं सकते, पोको में चलता है पोको लॉन्चर जिसमें कि एनिमेशन क्या होता है उसको पता ही नहीं है, तो वो स्किप कर लो। और अगर आपको अपडेट करना तो डेफिनेटली आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टॉल करने के बाद अगर आपको आपका डिवाइस में सही से नहीं चल रहा, मतलब चूँकि देख रहा हूँ मेरे में भी बहुत सारा ऐप सही से ओपन नहीं होता, आपको जो रिसेंट मेरे में चलाना पड़ता तब ओपन होता, तो वो अगर आपको भी दिक्कत हो रहा है एंड्रॉयड 13 है तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ मत इंस्टॉल करो एंड्रॉयड 14, आप ट्राई कर सकते हो, तब भी दिक्कत हो रहा तो जाओ मतलब कि सेटिंग्स पे जाओ, ऐप्स में जाओ, मैनेज ऐप्स में जाओ और जाके सर्च करो लॉन्चर, मैं मतलब हाइपर लॉन्चर की भी सर्च करो, लॉन्चर सर्च करो सिस्टम लॉन्चर, और फिर आपको अगर दिक्कत हो रहा है बग्स फेस हो रहा है तो अनइंस्टॉल अपडेट करो, और मैं जो आपको वर्जन दे रहा हूँ उसको इंस्टॉल करो, आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक लेटेस्ट वर्जन होगा एक परफेक्ट वर्जन होगा, दोनों का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ जो आपको पसंद आता है उसको इंस्टॉल करो यूज़ करो, जो उसमें आपको बग नहीं मिल रहा उसको यूज़ करो। वीडियो तो एक काम करो जल्दी से जाओ एकदम दौड़ के लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, और जो ऐप का लिंक ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में जाओ उसको डाउनलोड करके सेव करो, फिर जाओ फाइल मैनेजर में APKs में जाओ और फिर टैप करो नॉर्मल इंस्टॉल का ऑप्शन या अपडेट का ऑब्वियसली अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपडेट करो और बताओ कैसा लगा आपको ये ऐप अपडेट का वीडियो, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज बहुत मिलने वाले क्योंकि HyperOS 2 से रिलेटेड जो भी वीडियोज है आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून्ड रहो और स्किप मत करो वीडियोज़ को, डेली देखो पसंद आता है लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, बाय मिलते नेक्स्ट वीडियो में।